दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद चंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 126 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड नंबर 125 को आपने खूब देखा, खूब सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीन बड़ी कंपनियों के बड़े लीडर्स को हम लोग एक साथ एक मंच पे लेके आए हैं। तो आने वाले 22 सालों में आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को कहां पे देखते हैं? फिल्म लाइन में भी मेरा एक ही मकसद था, लोगों के काम आना। कभी कभी सोचते थे कि जिंदगी क्या है। फिल्म लाइन में थे, स्ट्रगल बहुत था। नेटवर्किंग बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईमानदारी, दूसरा आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। जब डायरेक्ट सेलिंग का कानून आएगा, एक्ट पढ़कर वो जज बनेगा, तो पहले दिन उसे पता होगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कि डायरेक्ट सेलिंग का डायमंड टॉप प्रायोरिटी पे होगा। डायरेक्ट सेलिंग का या बड़ा लीडर वो टॉप प्रायोरिटी पे होगा। कोई भी बाप अपनी बेटी को वहीं पर देना चाहेगा कि वहीं पर उसको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो जिसको भी मैं बताता था मैं ये बिजनेस करता हूं, तो सभी लोग मेरे से एक सवाल करते थे कि इसके अलावा आप और क्या करते हो। हर आदमी चाहता है, पैसा चाहता है, डेफिनेटली चाहता है सर, मान सम्मान चाहता है, डेफिनेटली चाहता है, रिकॉग्निशन सर ऐसी चीज है जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तीन पर्सनैलिटी हमारे बीच में थी, सिद्धार्थ सिंह जी, मुकेश कोठारी जी और पंकज चटोरिया जी, उनके पास में बहुत सारा ज्ञान है। आइए जहां से हमने पिछली चर्चा को समाप्त किया था उसको आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और एक बार फिर आइए हम लोग मिलके स्वागत करते हैं हमारे तीनों मेहमानों का, सिद्धार्थ सिंह जी, पंकज चटोरिया जी और मुकेश कोठारी जी का। आप तीनों खास मेहमानों का आज के मौके पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज सर आपके पास में आना चाहता हूं, और इस से आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा, कि पहले 90 दिन एक डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट क्या होना चाहिए सर? सबसे बड़ी गलती लीडर ये की करता है, वत्स साहब, कोठारी साहब भी जानते होंगे, कि वो जाता ही नहीं उसके पास में। मैं बोलता हूं एलओएस में, इसके पास गया नहीं साहब, इसके पास गया ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, कितने प्रोडक्ट यूज कर रहा है पता नहीं, इसकी एजुकेशन क्या है मालूम नहीं, इसकी वाइफ क्या करती है पता नहीं। अरे तो बिजनेस में साइन अप हो चुका है, तुझे वाइफ के बारे में नहीं पता? तो वाइफ जो लेडीज का जो डीम निकल गया, और लेडीज को सम्मान देते हैं हम डीम बिल्डिंग में, और लेडीज रोती है तब वो आदमी करता है। तो इसलिए उसको सब बताना बहुत जरूरी है उसको सभी को। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत जबरदस्त नॉलेज है। मैं तो ये सोच रहा था कि सब लोग इस पे बातचीत करें। कोठारी सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे सर? शुरुआत के 90 दिन में क्या काम करना चाहिए संक्षेप में? पंकज साहब तो देखिए, उन्होंने हर चीज को एकदम बिल्कुल क्लियर कर, क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि एक एक चीज कैसे करते हैं। बेसिकली 90 डेज के बाद की बात जो है वो डुप्लीकेशन की है। 90 डेज तो पंकज सर ने कहा वो है और वो करना ही चाहिए, लेकिन डुप्लीकेशन एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस बिजनेस में अगर डुप्लीकेशन अगर हमने सही तरीके से कर दी तो आपका काम हो जाता है। देख, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रुप चालू किए, और मैंने बहुत बारीकी से ये किया कि जब हम बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं तो बेसिकली नीचे जो काम कैसे होता है उसको भूल जाते हैं, और वो काम इसलिए जरूरी है कि लगातार वो काम के आप टच में रहें जो नीचे वाले लोग करते हैं। तो मैंने जब एक नया ग्रुप चालू किया तो मैंने लगातार क्या किया कि जब तक वो डुप्लीकेट ना हो जाए तब तक मैं उनको छोड़ता नहीं था। मैं एक ही बात कहता था कि रोज इवनिंग में 8 बजे मैं एक प्लान दूंगा, और अब मुझे प्लान पे डुप्लीकेट करना था उनको। तो रात इवनिंग में प्लान दूंगा, शर्त यह है कि तुम किसी को लेकर आओगे, और अगर कोई नहीं आता है तुम्हारे साथ तो भी तुम आओगे, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं आता है तो भी तुम आओगे। और लगातार एक ही तरह का एक जैसा प्लान मैं उनको देता था, और थोड़े दिन बाद उनको ये लगने लग जाता था कि मैं अगला वर्ड क्या बोलूंगा, और वो ऑटोमेटिक कुछ बोलने लगते थे, उनको मुस्कुराने लगते थे। जब लगातार एक ही चीज मैं उनको बताता था तो धीरे धीरे वो प्लान बताने में माहिर होते थे, और फिर धीरे धीरे मैंने हाथ खींचना चालू किया, उन्होंने खुद ने प्लान बताना चालू कर दिया। और मैंने ऐसा किया कि मैं शुरू के 25 लोगों को लेकर बैठा, और वो 25 के 25 आज बड़े फिनेचियर बन गए। वो तब हुआ जब मैंने लगातार इनिशियल स्टेज पर उनको पूरा पूरा ग्रो करने का मौका दिया, और हर चीज में डुप्लीकेट किया। काम किसी का काम करना है, जैसे फॉर्म उस समय इनिशियल फॉर्म आते थे जो हैंड से राइटिंग से भरे जाते थे, अभी तो सब कंप्यूटराइज है, तो मैं उनको कभी भी मैं किसी का फॉर्म नहीं भरता था। मैं उसको कहता था तेरा फॉर्म तो खुद भर ले भाई, मैं तेरे पास बैठा हूँ, कोई गलती तेरी होने नहीं दूंगा, कोई परेशानी तुझे होने नहीं दूंगा। तो पहले दिन वो फॉर्म भरता था, और फिर फॉर्म के बारे में मेरे से कोई प्रश्न नहीं करता था। स्पॉन्सर क्या है पहले बता देता था, कैसे पिकअप सेंटर खुलते हैं मैं पहले बता देता था, और मैं हर चीज बताने पर विश्वास करता था, मैं उसका काम करता नहीं था, और जब मैं बताता था तो वो हमेशा के लिए सीख जाता था। तो 90 डेज के बाद डुप्लीकेशन कितना अच्छा करते हैं उसके ऊपर आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। That's good. Wonderful, sir.
स्टार्टिंग पंकज सर ने बताई, उसके बाद डुप्लीकेशन, और उससे आगे मैं बढ़ता हूँ सिद्धार्थ सिंह आपके पास में आता हूँ सर, कि आपके सर बहुत सारे ग्रुप हैं। एक तो अगर आपको आपत्ति नहीं है तो बताइए सर कितने ग्रुप्स आपने अब तक बिल्ड किए हैं, और हर ग्रुप को इंडिपेंडेंट हम लोग कैसे बनाएं। और हमारा एक प्रश्न इसमें और है सर, थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाएगा शायद ये, कि हमारे चूंकि रोल बदलते रहते हैं, शुरुआत में हमारा रोल कुछ होता है, बाद में 10 साल के बाद में वो ग्रुप तो हमारा है लेकिन उसमें हमारा क्या रोल बनता है, तो वो भी थोड़ा सा आप बताइए सिद्धार्थ सर। सर सबसे पहला चरण आपके सवाल है, 2-3 चरण में आ गया, तो पहला चरण आपने कहा सर, इस समय सर 22 ग्रुप्स एक्टिव हैं। एक्टिव ग्रुप मैं उसको बोलता हूँ जिसमें कम से कम 6 से 8 लोग अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हों, एंड ये है सर मोर देन 22 आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आपने पूछा सर रोल बदलता रहता है, जी हाँ सर बिल्कुल रोल बदलता रहता है। सबसे पहला रोल तो यही होता है जिसको आप बिजनेस में लेकर के आए, जैसे पंकज भाई ने बहुत कुछ इसके ऊपर बोला कि आप उसका ड्रीम जगा पाए, आप उसको विश्वास दिला पाए कि इस इंडस्ट्री के थ्रू आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो पहला रोल तो यही होता है सर। उसके बाद में आप उसके साथ जब काम करना शुरू करते हैं, आप कितनी जल्दी विश्वास दिलाने के बाद, ड्रीम बिल्डअप करने के बाद में उसको इंडिपेंडेंट आप कर पाते हैं, बेसिक चीजों के लिए, प्लान शो के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए। इंडिपेंडेंट होने के बाद में सर यही डुप्लीकेशन फिर उसकी टीम में नीचे होनी चाहिए ताकि उसका बिजनेस आगे सेम तरीके से ग्रो करे। एंड उसके बाद सर धीरे धीरे जैसे वो आपकी छत्र छाया में रह करके ग्रो करता है, बट जब वो ग्रो करने लगे, मतलब उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज बिजनेस में आती है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। लोग खुद को कंट्रोल रखना चाहते हैं या वो बैक स्टेज पे नहीं जाते सर। अगर आप ही सब कुछ करते रहेंगे तो वो आप ही के ऊपर डिपेंड रहेगा। इंडिपेंडेंट होते हुए भी बड़ी बड़ी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई प्लान शो ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जब तक वो आप ही के ऊपर डिपेंड रहेगा, आप ही चीजें कंट्रोल करना चाहेंगे, आप बैक स्टेज पर नहीं जाएंगे, तो जो सो कॉल्ड फ्रीडम इस बिजनेस की कहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। सो आपको इस तरीके से लोगों को लेकर के चलना है स्टेजेस वाइज। शुरू में डेफिनेटली आप हर स्टेज में उनके साथ रहते हैं, धीरे धीरे जब वो सीखना शुरू हो जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा लाइमलाइट उनके ऊपर भी डालिए। पर्सनल 2-3 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि व्यूअर्स इसको आसानी से समझ सके, बजाय थ्योरी के थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। सालों पहले क्या होता था सर, दिल्ली में हमारा बिजनेस ना के बराबर हुआ करता था, तो एक छोटी सी वीकली मीटिंग हुआ करती थी, उसमें भी 100-125 से ज्यादा लोग आते नहीं थे। उसके बाद कुछ ग्रुप्स आए, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने पर्सनल वीकली मीटिंग्स करनी शुरू करी, तो जब मैं उन मीटिंग्स में जाता था सारा का सारा जो स्पॉटलाइट लाइमलाइट आप कुछ भी कह लीजिए वो मेरे ऊपर होता था। और क्योंकि वो सारे नए ग्रुप्स थे तो उसमें प्रोजेक्टर सेट करने से लेकर के सब कुछ मैं खुद ही किया करता था। धीरे धीरे मैंने लोगों को इन्वॉल्व किया, थोड़े टाइम बाद तो आधा मेन प्लान शो उन्होंने करना शुरू किया, मैंने सिर्फ टेस्टिमोनियल्स करने शुरू किए। लेकिन जब मैं हॉल में घुसता था तब से लेके अगेन लास्ट तक भी मेरे ऊपर ही सारा का सारा फोकस और लाइमलाइट रहता था। धीरे धीरे सर वो मीटिंग जितनी ज्यादा सक्सेसफुल होने लगी, पैर रखने की जगह नहीं बची, एक सेशन के बाद दूसरा सेशन, दूसरे सेशन के बाद तीसरा सेशन, बैक टू बैक 3-4 प्लान शो चलते थे लेकिन सेम चीज रहती थी सर। तब तक काफी सारे लोग मैंने ट्रेन कर दिए थे जो खुद स्वयं प्लान दिखाने लगे, तो धीरे धीरे मैंने उन मीटिंग्स में आना कम 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 किया ताकि वो लोग उनके ऊपर लाइमलाइट रहे, वो जिम्मेदारी समझे। और उस थोड़े टाइम के बाद में मैंने बिल्कुल पर्पजली जाना बंद कर दिया। शहर में होता था, कोई काम नहीं होता था, घर में बैठता था लेकिन जाता नहीं था या कम जाना शुरू कर दिया ताकि ये लोग जिम्मेदारी लेकर के ये लोग आगे उससे उड़े। उसके बाद सर सेम चीज सेमिनार्स किया करते थे, उसमें लाइक जब बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी दूसरा सेशन किया, तीसरा किया, बैक टू बैक एक एक दिन में 3-3 कर रहे हैं, सुबह से लेके रात हो गई है। देन फिर उसको मैंने डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया, एक ग्रुप को बोला यार आप इंडिपेंडेंट शुरू करो, दूसरे को बोला आप इंडिपेंडेंट शुरू करो, तो धीरे 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 उन्होंने इंडिपेंडेंट जब करना शुरू किया वो ऑर्गेनाइज करने लगे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझने लगी। एंड इस तरीके से जब उन्होंने जिम्मेदारी समझने लगी उतना मैं फ्री होता गया। आज की डेट में कभी 24 घंटे में मुझे हार्डली 4 या 5 फोन से ज्यादा नहीं आते बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि सारे ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं, दे डोंट नीड मी,
उनको मेरी जरूरत कब है, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ एडवाइस कभी चाहिए होगी तो है, तभी वो मेरे पास आते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है और यही एक एक, एक असली डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी जीत है, जब उसके बच्चे इतने बड़े हो जाए, उसके नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए कि वो खुद अपना साम्राज्य संभालने के लिए बिल्कुल केपेबल हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, दोबारा दे देता हूँ। एक वर्कशॉप वन डे की हम ऑर्गेनाइज किया करते हैं, कंपनी पैनल के ऊपर होती है वैसे तो उसमें एक ग्रुप था जिन्होंने मेरे से डेट मांगी। तो मैंने कहा जी आप 5-7-8 दफा देख चुके इसको देख चुके हैं, आप अच्छे लीडर हैं, आप स्वयं कर सकते हैं, आप पूरा मेरे से मत कराइए, मैं एक पार्ट कर दूंगा, आप बाकी जिम्मेदारी लीजिए। उन्होंने कहा सर एक लास्ट वार कर दीजिए, ये सभी की आदत होती है, कोई बात नहीं, शर्त एक है, मुझे 200 लोग चाहिए। उन्होंने कहा सर बिल्कुल मिल जाएंगे, बढ़िया, कोई बात नहीं जी। मैंने कहा एक चीज याद रखना, अगर 200 से 199 भी हुए तो मैं काम नहीं करूंगा, तो आप ही करेंगे। बोले ठीक है सर, डन। अब जब दिन आया, सुरेंद्र भाई गर्मियों के दिन थे, जैसे आजकल का यही लगभग मौसम था, मैं सुबह पहुंचा मुजफ्फरनगर की बात है, और मैं टी शर्ट में और अपने शॉर्ट्स में था, तो समय होने लगा 11:30-11 बजे में शुरू करना था। तो उन्होंने कहा सर चेंज कर लीजिए, मैंने कहा आप मुझे 200 लोग गिना दीजिए, मैं चेंज कर लूंगा। सर लास्ट तक भी उनके 191 लोग हुए। 11:15 बजे मैंने कहा देखो भाई कमिटमेंट थी, आप 9 लोग शॉर्ट हो, मैंने कहा आई एम सॉरी, आप कई बार देख चुके हो, जो गाइडलाइन चाहिए मेरे से ले लो, लेकिन मैं जा रहा हूँ मसूरी छुट्टी मनाने के लिए। सर अब मरता क्या ना करता, उनको उन्होंने जैसे जैसे तैसे करना शुरू किया, मैं तो चला गया। सर रात को उनका मेरे पास फोन आया, बोले जी शुरू शुरू में तो बहुत डर लगा सर, पर मजा आ गया करके सर, और इस तरीके से थैंक यू सो मच सर। एंड सर उस दिन के बाद से वो इंडिपेंडेंट बन गए, कभी उन्होंने मुझे उस चीज के लिए बॉदर नहीं किया। तो सर रोल यही होता है कि एक अच्छे अपलाइन का जितनी जल्दी हो सके वो अपने डाउनलाइन को सिखाए। जैसे इसको कई बार टफ लव फिलोसफी भी मैं कहता हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में सालों पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, एक जिराफ की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया। सर जैसे ही बच्चा जमीन पे गिरा, उसने पहले तो उसको चाटा, साफ वाफ किया, उसके बाद उसको लात से पुश करना शुरू किया कि खड़ा हो और चल। उसकी टांगों में इतनी शक्ति नहीं कि वो चल सके, वो एक कदम चला गिर गया। उसकी मां ने फिर उसको लात से पुशअप किया, फिर एक दो कदम चला गिर गया, और उसकी माँ लगातार उसको लात मारती रही जब तक वो चलना नहीं सीख गया। चलना उसने सिखाया, दौड़ वो अपने आप गया। तो सेम यही बिजनेस सर, इसमें आप जितनी जल्दी अपने टीम के लोगों को आप सिखाएंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, और हर एक चीज के लिए, बड़ी बड़ी कार्यशालाओं के लिए अपने ऊपर कम से कम डिपेंड कराएंगे, ये उम्मीद ज्यादा ना रखें कि ये मेरा नाम लें या इस तरीके से ही करें या मेरी छत्र छाया में रहें, आप उतने ज्यादा पैसे तो कमाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप फ्रीडम कमाएंगे। याद रखिए डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो सबसे बड़ा फर्क है सर, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, बट सर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जितने पैसे कमाएंगे आप उतने ज्यादा आपके पास समय नहीं बचता, आप उतने ज्यादा टेंशन में, दबाव में, तनाव में आप रहते हैं। असली डायरेक्ट सेलर सब वो है जो पैसे तो कमाए ही कमाए, लेकिन पैसे के साथ साथ उसके पास फ्रीडम हो, उसके ग्रुप्स इतने इंडिपेंडेंट हो जो स्वयं अपना काम करें, एंड देन आप ट्रू मायनों में इस बिजनेस में, मेरी डिक्शनरी में, आप सक्सेसफुल। ग्रेट, वंडरफुल सर। यस पंकज सर, मेरे कुछ पॉइंट्स रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। शुरू में जब नए आदमी को मैं ये बोलता हूँ कि जब तुम लोगों से बात करोगे तो रिकॉर्ड कर लेना, तो मुझे पता चल जाएगा कैसे बोल रहे हो आप। दूसरी बात, जब मैं लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, जो बात करता हूँ डिफरेंट लोगों से, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मैंने कैसे उससे बात की, क्या अपना मिशन बताया, कैसे उसको इम्प्रेस किया, कैसे मैंने जूम पर उसको मैंने ट्रेनिंग के लिए बुक किया। वो टॉक मैं अपने पूरे ग्रुप में जब लोगों को, लीडर्स को भेज देता हूँ या नए लोगों को भेज देता हूँ, तो वो सीख जाते हैं। इसका बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिला है। जैसे कल ही मुझे किसी ने LIC के बहुत बड़े ऑफिसर से बात कराई, उसको मैंने क्या बोला, क्या उसने पूछा, क्या मैंने काउंटर क्वेश्चंस किए, वो सब मेरी टीम सीख लेती है कि ये तो हम भी कर सकते हैं। कोई बैंक वाले का फोन आ जाए या किसी का फोन आ जाए तो जो मैं बात करता हूँ। दूसरा, नए आदमी से मैं कहता हूँ कि मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, तू जिससे बात करेगा वहां पहुंचेगा, प्लान दिखाने के बाद मेरे से बात करा देना। तो जब मैं सबसे ये करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आज एक डायमंड लेवल पे भी, या जब मैं नया था तब भी मैं, अरे इतने बड़े हमारे लीडर हैं, ये हमारे पास टच में हैं, मैं कभी भी इनसे फोन कर सकता हूँ। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं अनजाने में जो ये बोल देते हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते, अभी हम आपसे नहीं मिलेंगे, आपसे ये नहीं कर सकते, मेरे लिए मेरी लाइनें हमेशा 24 घंटे खुली हैं, आप मुझसे जिससे बात कराओ, किसी से भी कराओ। कभी कभी वो कहता है पंकज जी से बात करनी है,
चाहे मुझे अपनी बिटिया को एक्ट्रेस बनाना है इसलिए बात करनी है, बोलता है अभी आप इस लेवल पे नहीं है, बात नहीं कर सकते। मेरी टीम में 90 दिन के अंदर मैं सारी लाइनें खुली हुई हैं, मैं बोलता हूँ मुझसे बात करो, उससे उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जहां बैठे हैं, जहां अटक गए, मैं बोलता हूँ जब वो ज्वाइन कर रहा है तो उससे कमिटमेंट नहीं ले रहा तो मैं मेरी बात करा दे। अगर वो कस्टमर भी बना है तो मैं बोलता हूँ उसे बोल मेरे पंकज, मैंने आपको कस्टमर बनाया लेकिन मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स दिए हैं, पंकज जी ये देखना चाहते हैं कि मैं आपको सही सर्विस दे रहा हूँ कि नहीं दे रही, मेरे बारे में जरा बात कर देना, उनसे बात करा दो। मैं कस्टमर से बात करता हूँ उसको कन्वर्जन कर देता हूँ, तो मैं इनिशियल ईयर्स पर किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मेरे रेडियंस में कोई आदमी आ गया तो वो बचेगा नहीं, तो मैं हर आदमी उसके नए आदमी को ना ऐसे करके रूई पे रखता हूँ, रूई पे, कि तू जब मर्जी मुझसे बात कर ले, जब मर्जी, मैं रिलैक्स हूँ और सहज हो जा मेरे साथ में। तो ये जो फोन पे कन्वर्सेशन है ना लोगों से, मैं कहता हूँ प्लान दिखा, रिकॉर्ड कर, मुझे बता कैसे बात करी, तो ये मेरे ग्रुप में बहुत चलता है और इसके मिरेकल्स रिजल्ट्स मिले हैं, मिरेकल्स। एक तो ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट एक बहुत जबरदस्त है, ये मैं सबके साथ नहीं करता लेकिन उसके साथ करता हूँ, कि जब मुझे पता चल जाता है ये आदमी अब भागेगा नहीं और ये आदमी करने को तैयार है, मरने को तैयार है, तब मैं उसके साथ करता हूँ। मैं बोलता हूँ सबसे पहले तेरे अंदर जो राक्षस बैठा है ना, अबे छोड़ना कहाँ जा रहा है, बारिश हो रही है ना, अरे कर लूंगा ना कल यार, अरे ये हो जाएगा ना यार, अरे जाने देना यार, चलता है ना, अरे छोड़ना है, क्या प्लान को फोन करना, वो राक्षस जो बैठा है ना उसको पकड़ के तुझे मारना है, उसको खत्म करना है अपने अंदर से। मैं बोलता हूँ मेरे अंदर राक्षस था, दारू में मजा आता है, दारू पियेंगे, क्या है मीटिंग कल कर लेंगे, तो राक्षस को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर कितना हथौड़ा लगाना है, छोटा हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा, उससे बड़ा हथौड़ा, कब उसको कौन सा टाइट करना है वो लीडर को पता होता है, कब उसको बताना। सबके साथ नहीं बोलूंगा, ये डुप्लीकेटेबल नहीं है, पर जिसके साथ में आपकी अकल चाहिए। मैंने क्या किया, एक टेक्निक, मैंने कहा अगर तूने रात को प्लान नहीं दिखाया ना ये, और तूने जो कमिट किया ना मुझसे, शाम को खाना नहीं खाया, खबरदार तेरे खाने में सांप बिच्छू पड़े हुए, हाथ मत लगा देना। बोला हाँ, उन्होंने वो तो कर लिया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, मैंने ऐसे किया था, सुधा जी से कहा था, मैं रोज कहता था कल करूंगा, करता नहीं था। सुधा जी ने कहा अपने को पनिश करो, और उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जितने संत हुए हैं दुनिया में, उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए पानी में, उन्होंने पानी के अंदर बैठ के साधना की, किसी ने पेड़ पे लटक के साधना की, किसी ने खड़े होकर साधना की, पनिश किया तब महान बनता है। मैंने सोचा यार, उन्होंने कहा पनिश कहा था, मैंने कहा अपने मुंह पे चाटा मारेंगे, फिर मुझे लगा जूता मारें क्या, ये नहीं किया जूता मार, तो चार पांच जूते मारता था मैं, तो उस जूते ही होता था, मैं तो जूते ही खाता रहेगा, जूते ही मारेगा, या तुझे बिजनेस में डायमंड जाना है। तो जब मैंने ये लोगों को ग्रुप में कहा, तो मेरी टीम में एक महेश दुबे जी डायमंड है, बहुत बड़े डायमंड है, बहुत प्यारे इंसान है, उन्होंने वो किया, पिन चेंज नहीं हो रहा था, उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू किए, उन्होंने बहुत किया और थप्पड़ मारे। लेकिन अब उनकी टीम में थोड़े दिन बाद, एक दिन उन्होंने फोटो भेजा मुझे, और फोटो में एक आदमी की आंख ऐसे मोटी हो गई, लाल हो गया गाल, बोला पंकज जी ये देखो इस आदमी ने क्या किया। मैंने कहा यार ये नीलेश ने क्या कर दिया। बोला सर ये सिल्वर नहीं जा रहा, सिल्वर नहीं जा रहा, तीन महीने से बोलता सिल्वर जाऊंगा, और इसने अपने को ना मार मार के इतने थप्पड़ मारे, मुंह सुझा दिया। मैंने कहा यार ये ऐसा मत करो यार, ये मैंने इतना थोड़ी बोला था मैंने तुम्हें, मैं बताना ही चाहता हूँ कि अपने डाउनलाइन लीडर्स के साथ में कौन सी डिग्री आपको इस्तेमाल करनी है वो आप जानते हैं, ये गलत नहीं होता है। हमारे बच्चे को माँ मारती है फिर गले लगा लेती है, बाप भी मारता है, हम सब ने मार खाई अपने पिताजी की, और इतना मारा मेरे पिताजी ने, मैं बचपन में कहता था ये मर जाए तो अच्छा है ये आदमी, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मुझे मारने आ जाए दोबारा, जिसकी वजह से मेरे संस्कार जो मेरे अंदर पड़े हैं। तो आपको कमिटमेंट लेने के लिए, देने के लिए, लीडर्स जितने सुन रहे हैं मेरे बात, अपने को पनिश करना पड़ेगा, आदतें नहीं बदलेंगी, आप चोर के चोर रहोगे, आप सुबह 10 बजे उठोगे, नहीं मानोगे आप किसी की, क्योंकि अपलाइन आपको डांट नहीं सकता, माँ बाप की आप सुनते नहीं है दुनिया में किसी की, लेकिन आप अपने ही सुनेंगे, अपने को जैसा मर्जी पनिश करो, मगर पनिश करोगे तभी आप हीरा बनोगे। ये टेक्निक मैं करता हूँ अपने लोगों के साथ। वंडरफुल, अमेजिंग सर, अद्भुत कृपा सर, मतलब ऐसा लगता है बस आप बोलते जाएं और आप सुनते जाएं। जी सर, मेरा विश्वास है इन चीजों में, मेरा विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से डायमंड चला जाए, इसलिए नहीं कि पैसा आएगा ना, इसलिए कि किसी की जिंदगी बदलेगी, कितने चूल्हे जलेंगे और आप हीरो बनेंगे दुनिया में। आपका जो आप आए किस लिए हो दुनिया में, सिर्फ इसलिए आए हो परमात्मा ने भेजा है आपको, जैसे आपको भेजा है, आपको भेजा है, कितनी जिंदगियां बदली हैं आज आप सब लोगों ने, बदल रही हैं, आप किसी के निमित्त बनोगे और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगे, इससे बड़ी कुछ नहीं है। पैसा वैसा कुछ नहीं, सब रह जाएगा, लोग कहेंगे ये था कोई जिसने इतिहास बनाया। आपका नाम सुरेंद्र भाई, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, आज के 100 साल बाद भी लोग कहेंगे आपके सुरेंद्र भाई।
अच्छी बात बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ। और जब ऐसा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि इन्होंने जब शुरुआत में मोटिवेशन मिला तो वो पंकज डिटोरिया जी से मिला था, तो आपको इसकी सख्त जरूर दो, टेप को बहुत बार सुना गया था, तो आप उसका एक माध्यम बने सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से अपनी बातचीत को रखने का टिटोरिया सर। कोठारी सर, मैं थैंक यू सर, कोठारी सर मैं आप पे आना चाहता हूँ। और पंकज सर ने जैसे बताया कि एक आदमी जब स्टेज पे खड़ा होकर बोलने लग जाता है और तालियां बजती हैं तो फिर वो रुकता नहीं है, आप सर हिंदुस्तान के निर्विवादित सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक हैं। जब आप स्टेज पे बोलते हैं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है लोगों का मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मुकेश कोठारी जैसा स्पीकर बनना है तो एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनरली मैं ऐसा नहीं मानता, सिद्धार्थ सर को मैंने सुना हुआ है, पंकज सिद्धू सर को सुना हुआ है और बड़े बड़े सभी डायरेक्ट सेलिंग के लीडरों को सुना है, और मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे इनसे बहुत अभी सीखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें क्या आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी लोगों का प्यार है मेरे प्रति कि सब लोग पसंद करते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं इनिशियल में आया था, कि जब शुरुआत में जब मैं बोलने पहली बार स्टेज पर गया था, मेरी अपलाइन ने ऐसे ही मुझे खड़ा किया और इन्वाइट कर लिया सम्मान के साथ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि उस दिन मैं अपना नाम भी अपना खुद ढंग से नहीं बता पाया, लेकिन मैं चढ़ गया था। तो शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण है, और वही लोग बाग 90% कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन अगर एक बार कूद गए, एक बार चले गए, तो उसके बाद दूसरा होगा। छोटी सी कहानी भी हम सुनाते हैं। एक आदमी ने कहा कि भाई ना तो मैं -4 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे पानी से भी नहा सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई -4 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे पानी से नहा सकता है तो नहा ले। वो कहने नहीं नहा सकता हूँ, नहाऊंगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं नहाएगा? वो कह पहले लोटे से डर लगता है। क्या बोला उसने? पहले लोटे से डर लगता है, यानी पहला जो पानी मारूंगा उससे बहुत डर लगता है। अगर पहला लग जाए ना तो मैं दूसरा तीसरा चौथा ऑटोमेटिक कर लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले लोटे को भर और साइड में रख दे, दूसरे से ना ले। इसका मतलब यह है शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपलाइन का रोल है शुरुआत करा दे। तो मेरी अपलाइनों ने क्या किया, मुझे शुरुआत करा दी, और उसके बाद मैंने एक चीज को बहुत बारीकी से फॉलो किया। मैं जब भी किसी सेमिनार में जाता हूं तो मोटा मोटी टॉपिक मेरे पास क्लियर रहता है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कभी नहीं जाता। मैं हमेशा एक आम पब्लिक क्या सुनना चाहती है, उस पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, इंसान के दिमाग में क्या शंकाएं चल रही है, उसको लेकर मैं बात करता था। और जब भी बात करता था तो एक आदमी के साथ टच हो जाना, जब किसी से बात करता था तो उसे हर व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये क्यों मेरे बारे में बात कर रहा है, उस क्यों दुखती हुई रख पर हाथ रख रहा है। और मैं हमेशा लोगों के अनुरूप चला और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से चला। हमेशा अपने आप को फ्रीडम महसूस करता हूँ जब भी मैं बोलता हूँ, तो कोई बहुत बड़ी पढ़ी लिखी बातें या बहुत बड़ा ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैं हमेशा ऐसी बात करता हूँ जो आम आदमी को समझ में आए, और जब भी आम आदमी से रिलेटेड करते हुए आप बात करेंगे तो आम आदमी हमेशा आपसे रिलेट होगा, आम आदमी हमेशा आपकी बात सुनेगा। और मैंने हमेशा ये चीज को फॉलो किया है, और अब तक भी मैं आपको बता दूं कि 90% लोग तैयारी करके जाते हैं फंक्शन में। मैंने किसी सेमिनार की, न किसी मीटिंग की, न आज के फंक्शन की, न कल की, आप मेरे से आज वैसे दो क्वेश्चन आपने मेरे से बोल दिए थे, भेज दिए थे मेरे को कि इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे, अगर वो आप नहीं भी करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे से आप करना भी मत, क्योंकि जितना अचानक आप पूछेंगे उतना मन से बात निकलेगी, और मन से जो बात निकलेगी वही गहराइयों तक जाएगी, वही दिलों तक जाएगी। मन से आप बात कीजिए, निर्भीक होकर बात कीजिए, और लोग जो चाहते हैं वैसे आप बात कीजिए, लोगों के मन की जो शंकाएं उनको आप अपनी बातों में निकाल दीजिए, लोग ऑटोमेटिक आपसे रिलेट हो जाएंगे। मैंने अक्सर यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। धन्यवाद। That's great, wonderful sir, अद्भुत। और मैं ये इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ कि अगर आपने मुकेश कोठारी जैसा स्पीकर बनना है तो मुकेश कोठारी जी को आप फॉलो कीजिए, उनको सुनिए, आप उनकी बातचीत सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सिद्धार्थ सर मैं आपके पास में आना चाहता हूँ सर, एक पॉइंट ऐड करूंगा। हाँ प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर एक पॉइंट ऐड करूंगा कोठारी साहब की बातों से ही। बिल्कुल सही कहा आपने, जब भी मुझे कहीं भी स्पीक करने के लिए बुलाया जाता है या कि आपको ये टॉपिक दे दिया ये बोलना है इस पर, कई बार ऐसा, हजार बार ऐसा हुआ है, मेरा काम पहले ये है पब्लिक कौन सी बैठी है,
3% वाली है, 6% वाली है, 9% वाली है, या मैं सिल्वर के साथ बात कर रहा हूँ, किससे बात करूं? मुझे अगर ये नहीं पता तो मैं हमेशा क्या करूंगा, बलबल 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 बजा के बात करके आ जाऊंगा। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कौन सी पब्लिक बैठी है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं टीचिंग या जो भी बात कहना चाहता हूँ, फिर सोचना नहीं पड़ता आपको। हम लीडर्स बहुत गलती करते हैं, आज बहुत सारे ट्रेनिंग्स में मैंने सुना है कि वो 2 घंटे आके बात करके गया, पर ये तो टॉक उसकी थी नहीं, उसके लिए थी नहीं, वहां तो नया आदमी भी बैठा था, वो नेगेटिव होकर चला गया। तो कब क्या किससे कितना बोलना है, किस पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, जब पता होगा फीलिंग के साथ आप फिर बोलोगे, अपने बात करोगे, वो इम्प्रेसिव होती है, वो इम्प्रेसिव टॉक होती है। आप कहीं भी बात कर लो तो सिर्फ ईमानदारी से बोलो, समझ के बोलो किससे बात कर रहे हो। सवाल पूछता हूं मैं हमेशा कि हाँ भाई तेरा क्या सवाल है, तेरा क्या सवाल है, सवाल मैं बताता नहीं कभी भी किसी ट्रेनिंग में, मैं सवाल पूछने में विश्वास करता हूं। फिर एग्जैक्टली उस आदमी को वही दे दीजिए जो वो चाहता है। थैंक यू, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच इसमें और ज्यादा एड ऑन करने के लिए पंकज सर। थैंक यू दास सर, आज आपकी जो इनकम है वो सबको बहुत प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। तो दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। पहली तो ये कि शुरुआत जब आपने की डायरेक्ट सेलिंग की 1998 में, तो उस समय क्या आपके सामने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे? और दूसरा, आज के टाइम पे जो डायरेक्ट सेलर काम करता है, उसको विजन अगर उसका क्लियर है, उसको मालूम है कि आने वाले समय में तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आज उसके पास में रनिंग एक्सपेंसेस नहीं है, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है, ट्रेवल करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में वो कैसे काम करे सर? सर, आपके सवाल का जो पहला जवाब है, डेफिनेटली सर, जब मेरे सामने भी बहुत सारी समस्याएं थी जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सर 1998 में। मेरा जो पहला पेचेक था सर वो 155 रुपए का था, और ये तब था सर जब मैं पूरे महीने अपने घर से 25-30 किलोमीटर जाता था रोज प्लान शो सुनने के लिए। और सर मैं रोज 25 से 30 लोगों को इनवाइट करता था, और सर रोज मुझे 30 लोग कमिट करते थे कि हम आएंगे, और 99% कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। मैं अकेला मीटिंग स्वयं सुन के बार बार वापस आता था सर। अगर मेरा बहुत अच्छा दिन होता था ना तो एक या दुख का आदमी आ जाता था। सर दूसरे महीने मेरा चेक था 139 रुपए का, और सर जब इस तरीके के आपके चेक आते हैं ना, तो आपके जो मित्र लोग होते हैं वो आपको कमाल की बातें बोलते हैं, आपका बड़ा उत्साह बढ़ता है उससे। तो आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते, इस तरीके की भाषा का भी उपयोग होता है। तो डेफिनेटली सर मैंने बहुत संघर्ष देखा, बहुत पैसे की कमी भी देखी, और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ सर, उस समय मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, टू व्हीलर हुआ करता था, जिससे मैं ट्रेवल किया करता था। सर मेरे एक रिलेटिव की जॉब लगी, उसमें कंपल्शन था उनके पास में अपना व्हीकल होना, उन्होंने मुझे बताई, मैंने कहा आपको तो परिवार चलाना है, मैं तो झेल लूंगा, मैंने वो भी उनको दे दिया, और मैंने बस में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली सर मैंने भी बहुत हार्ड डेज देख कर ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। आपने सर सवाल किया कि जिसके पास रनिंग एक्सपेंस नहीं है वो क्या करे। सर सबसे पहली चीज तो ये है, उसको माइंडसेट में ये समझना है कि ये एक बिजनेस है, ये रातों रात लखपति या करोड़पति बनने की कोई स्कीम नहीं है। सर बिजनेस में हमेशा 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है कि आप अपनी जेब से इन्वेस्ट करते हैं, स्टेज 1। सर स्टेज 2 में आप ब्रेक इवन बोला जाता है, यानी कि जितना आप कमा रहे हैं उतना आपका खर्चा हो जा रहा है, आप ऊपर नहीं है, प्लस में नहीं है, फाइन। सर थर्ड स्टेज में बिजनेस में प्रॉफिट आता है। ये हर चीज हर जगह लागू रहेगा, हमारे बिजनेस में भी लागू रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है पहले दूसरे महीने में ही वो कई लाख रुपए का चेक ले ले, तो सर ये संभव नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए संभव कुछ एग्जाम्पल्स हुए, लेकिन सर ये वो एग्जाम्पल है जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कहीं अन्य जगह काम किया, नेटवर्क का जिनको बेनिफिट मिला, ऐसे कुछ एग्जाम्पल जरूर हो सकते हैं। अब सर इस स्टेज में क्या करना है, 2 चीजें हैं सर। या तो आप अपना फाइनेंस मैनेज करने के लिए कहीं से आपने कुछ अरेंज किया या कुछ किया, आपको वो अरेंज करना है। दूसरा, आपको अपनी स्थिति परिस्थिति देखते हुए आप इसको पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं। एक अगर आप सीरियस पार्ट टाइम करें, पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता सर कि जब मन किया तब काम किया, पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि रोज आप सिंसियरली 2 से 3 घंटे या 2 से 4 घंटे आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं। सर मेरे बहुत अच्छे मित्र डाउनलाइन है चेन्नई से, उन्होंने जब इस बिजनेस में मैं उनको लेकर के आया था, वो BHEL में इंजीनियर थे, घर पे लगभग 1.5 लाख रुपए की सैलरी ग्रॉस जाती थी, उन्होंने सिंसियरली इस बिजनेस को बिल्डअप शुरू किया। 3.5 साल के बाद में उनका जो पे आउट था वो 6-6.5 लाख रुपए था, तब उन्होंने VRS लिया।
तो सर फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आप अभी जो नौकरी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, अभी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी है जिसको मैं बोलता हूँ ब्रिज कॉन्सेप्ट। सर ब्रिज कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मान लीजिए एक चौराया है और वहां पर बहुत भीड़ रहती है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने देखा भाई यहाँ एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। सर देखिए जब फ्लाईओवर बनना शुरू होगा ना, तो पहले जो जितनी पूरी प्रॉपर ट्रैफिक की जगह थी उसमें आधे में कंस्ट्रक्शन करेंगे, आधे में ट्रैफिक को पास करेंगे। सर वहां पूरी जगह कम पड़ती थी, आधे में तो अब डबल ट्रिपल टाइम लगेगा, लोग वहां से जाएंगे मुंह बनाएंगे अपशब्द कहेंगे, लेकिन एक दो साल बहुत तकलीफ रहेगी वहां जगह से निकलने में। लेकिन जब वो दो साल के बाद फ्लाईओवर बन जाता है ना, उसके बाद लोग कहते हैं मजा आ गया, तब कोई तकलीफ नहीं, यानी तब लाइफ ईजी हो गई। जो लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं उनको ये चीज समझनी है कि आप इस बिजनेस में आए हैं, आपको आप दो साल प्रिपेयर हो जाइए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आपको 5 बजे उठना है, आप पहले 8 बजे घर पहुंच जाते थे तो आपको एक या दो प्लान दिखा गया, अब आप प्रिपेयर रहो 10 बजे या 11 बजे आप घर पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप फ्लाईओवर कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, ब्रिज कॉन्सेप्ट के ऊपर में चल रहे हैं। ये स्थिति अगर आपने पार कर ली तो आप अपना फाइनेंस को भी मैनेज कर पाओगे एंड आप अपनी सक्सेस को भी आप अचीव कर पाएंगे। सर ये माइंडसेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना वो समय उनकी स्थिति क्या है, वो फाइनेंस कैसे मैनेज करें, लेकिन इसको मैनेज करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर सिचुएशन, बट डेफिनेटली सर ये माइंडसेट जरूर उनको रखना है कि राइट फ्रॉम डे वन आपको बड़ी इनकम बिजनेस से नहीं आएगी। हाँ आएगी, जरूर आएगी, कब आएगी डिपेंड करता है आपकी कितनी इच्छा शक्ति है उस चीज को अचीव करने की, आपकी कितनी डिजायर है उस चीज को अचीव करने की। आपकी जितनी ज्यादा डिजायर होगी, जितनी ज्यादा बर्निंग डिजायर होगी और जितना ज्यादा आपको मोहब्बत होगी उस चीज से जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, पैशन जिसको कहते हैं, जुनून जिसको कहते हैं, पागलपन जिसे कहते हैं, उतनी जल्दी आप उस लेवल ऑफ इनकम पे या उस कंफर्ट लेवल पर आप अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन ये उस समय को मैनेज करना डेफिनेटली यही आपकी टेस्टिंग है, यही आपका कठिन समय है, यही आपकी परीक्षा है, और इस परीक्षा से अगर आप खरे गुजरे। और इसमें सुरेंद्र भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सारा गेम है ना वो फोकस का है। सिंपल सी बात है, जहां वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लो, जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा रहती है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, उनके दिमाग में ना एक ही टेप बजता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं 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 है, या मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, इस तरीके की उनकी लगातार उनका ध्यान वहां रहता है। वहां के बजाय तो देखिए हमारा तो दिमाग है ना, इसमें एक समय पर एक ही चीज, एक ही विचार वास कर सकता है। इसकी जगह आप लगातार आपने यही सोचना है जो भी आपका गोल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ मंत्र कैसे सिंपल है, अगर एक कोई व्यक्ति है उसका पहला गोल है या पहला मेजर ब्रेक थ्रू जो वो मानता है, सपोज करिए 50,000 रुपए, तो उसको एक मंत्र जपना है, वो क्या है, 50,000, 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
105, 108, 108 बार अगर होता ना, आप जितने भी हमारे हिंदू उसमें देख लीजिए, जितने भी हमारी मालाएं होती है सब कुछ होता है 108 जाप होते सर, 108 कंप्लीट होता ही ठक से यूनिवर्स में आपकी एक चिट्ठी चली जाती है कि ये व्यक्ति ये मांग रहा है, और यूनिवर्स आपको पता है सर वो तो सिर्फ तथास्तु ही करता है। लेकिन लोग जो एक बेसिक मिस्टेक करते हैं, उस समय उनका रिकॉर्ड ना एक ही जगह अटक जाता है। जैसे पुराने जमाने में संगीत सुनने के लिए सर विनाइल रिकॉर्ड चला करते थे, वो अगर अटक जाते थे या कैसेट अटक जाती थी ना, तो एक ही गाना एक ही शब्द बार 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 आता रहता था। तो 90-95% लोग सर जो बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं, उनका रिकॉर्ड एक ही जगह अटका रहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भैया पैसे पैदा हो जाएंगे, अपने आप आपको कोई दे जाएगा, रिसोर्स मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कब? जब आपका एक तानत ध्यानम सिंगल हैंडेड फोकस सिर्फ उसी जगह पे रहे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी ब्रेक इवन अमाउंट आपने तय कर रखा है, वही रिकॉर्ड अगर बसता रहेगा बसता रहेगा बसता रहेगा बसता रहेगा बसता रहेगा बसता रहेगा, तो फिर ये जो स्थिति है, परिस्थिति है जिससे हर कोई गुजरा है, इससे आप लोग भी या जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं आप लोग भी निकल पाएंगे। किसी को भी विरासत में कुछ नहीं मिला। आप पंकज भाई से उन्होंने बताया ना उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, आप मुकेश भाई से पूछ लीजिए या आप अपनी बात कर लीजिए, आप किसी को भी देख लो, राइट। अब हमें क्या विरासत में मिला सर, हम कौन सी सिल्वर स्पून लेकर तो नहीं आए, अब सब इस दौर से गुजरे हैं।
लेकिन जब व्यक्ति इस दौर से आज अगर कोई मुझे देखता हो सकता है उसे लगता हो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। हाँ सर, जब आप मेरी तरह इतने पापड़ बेलोगे, दिमाग में हर समय एक ही चीज रखोगे, तो मेरे से ज्यादा खुशनसीब, मेरे से ज्यादा लकी आप भी हो जाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका फोकस एक ही विचार, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। लगातार अपने माइंड को आप अगर ये निर्देश देते रहेंगे। और दूसरी चीज सर कहना चाहूंगा, हमारा जो दिमाग है वो बहुत एक्सपर्ट है नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करने में। हमारा दिमाग 90% से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है, और कहानी यही खत्म नहीं होती। 90% से ज्यादा विचार जो है ना वो हमारे रिपीटेटिव होते हैं, बार 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 आते रहते हैं। जैसे पैसा नहीं, एक बार पीछा नहीं छूटेगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। दिमाग लगा, उसका काम ही यही है, ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। प्लान दिखाने जा रहा है, साइनअप नहीं होगा, नहीं हुआ तो अरे नहीं हुआ तो कौन सी जिंदगी, क्या बम आ जाएगा, क्या तूफान आ जाएगा, एक नहीं होगा कोई और हो जाएगा। लेकिन माइंड का काम सर यही है। लेकिन माइंड में क्या है, एक समय पर एक ही चीज रह सकती है। आप या ये सोच लो, या इसकी जगह जो आप प्राप्त करना चाहते हो, एक ताना ध्यानम अमाउंट की अगर बात करूं, आप वहां अगर लगातार फोकस करेंगे तो आप कमी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। एंड लास्टली एक सिंपल टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ, 1:30 फॉर्मूला। अगर एक नेगेटिव विचार आपके मन में आ गया, किसी आएगा सर आएगा, हर घर किसी के आता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना मर्जी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, एलन मस्क क्यों ना हो, बिल गेट्स क्यों ना हो, उनके अंदर भी आता है। एक सिंपल सी टेक्निक है सर, जैसे ही वो नेगेटिव विचार आया, मेरे पास पैसे नहीं है, उसी समय सेम 50,000, 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
इस तरीके से सर आप इस स्थिति परिस्थिति से निकल सकते हैं। वाओ वंडरफुल सर, ग्रेट सुपर। और जी पंकज सर मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूं इसमें, प्लीज आप पहले बोलिए। नहीं पहले आप सर। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हर किसी की टीम में ऐसे लोग होते हैं कि सर उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब आदमी है, बहुत है। तो बहुत लोगों ने अपनी मदद करके उनको पैसे दे दिए और उसकी कब्र खोद दी, वो कभी वापस नहीं आया। मैंने अपनी बहन से कहा था बर्तन मांज किसी के घर में जाकर तेरा पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि तू वैल्यू नहीं करेगी। तो जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनके लिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं दोस्त। पहले ये पता करो कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ज्यादातर लोग झूठे होते हैं, वो सिंपैथी चाहते हैं किसी भी तरह से, उनके पास पैसे होते हैं और कामों के लिए, फिल्म देखने के लिए, गप्पे मारने के लिए, तफरीबाजी करने के लिए, लड़की घुमाने के लिए पैसे होते हैं स्टूडेंट्स के पास में, मगर उनका फोकस नहीं होता। वो सोचते हैं यार फोकट में मिल जाए। तो लीडर का काम है उसको पहचानना कि ये झूठ बोल रहा है, उसका एग्जाम लो। दूसरी बात, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस नेटवर्किंग में है, दुर्गा सिंह ने 8वीं फेल, जब उसको एक बिजनेस मिला, वो पंचर लगाने वाला, साइकिल का पंचर लगाने वाले को जब पता चल गया पैसे नहीं थे, वो लोन लेके, ब्याज पे लोन लेके सेमिनार में गया था। उनका बहुत बड़ा फंक्शन में पैसे लगते थे। जब बिजनेस साइन अप किया तो किट लेने के लिए पैसे नहीं थे, प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं थे। उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, उसने क्या किया, अपने बच्चों को बोला तुम नहीं पढ़ोगे, घर में बैठ, मैं पढ़ने जा रहा हूं अपनी यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में। और उसने अपने बच्चों के पेट काटे, सब कुछ किया, फीस नहीं भरी और शराब पीता था, सब कुछ करता था। और उसने उधार मांग मांग के, घर में आटा नहीं होता था आटा, उसकी अप्लाई ने उसे जो कुछ कहा, उसने तब ये बिजनेस बिल्ड किया और आज वो एमरल्ड बने, एक बच्चे लेवल पे है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है दोस्त, कि आपके पास में पैसे तो होते हैं, आप खर्च नहीं करना चाहते। जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो माँ ये कहे मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उसका बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे माँ बाप ने अपने पेट काट करके, कहीं से लाके मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाके कोई कलाम बना, कोई आगे कोई बड़ा आदमी बना है। तो ये झूठ बात है, पैसे हैं, इतने पैसे नहीं हो सकते, 500 रुपए नहीं हो सकते, 1000 रुपए नहीं हो सकते आपके पास, 5000 रुपए की बहुत बड़ी रकम है, झूठ बोलते हैं वो लोग। पैसे है नहीं तभी तो ये बिजनेस करना है, अगर पैसे होते तो जरूरत ही क्या थी बिजनेस करने की। तो मैं लोगों को क्वालिफाई करता हूँ कि इतने से कर, पर कर। मैं समझ जाता हूँ आदमी झूठ बोल रहा है, आपकी टीम में बोलते सर इसकी मदद कर दो प्लीज। मैं बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने परमात्मा की कृपा से मैं इतने लोगों का निमित्त बना हूँ आज तक अपने 57 साल की एज में, कि मुझे इतने लोगों ने लूटा है, मैंने पैसे दे दिए। मिता जी ने कहा पैसे क्यों दे दिए इसको, मैंने कहा गरीब आदमी है। मैंने इतनी मदद करी लोगों की, इतनी मदद करी, मैंने जेवर बेच दिए अपने, आज भी लोगों की मदद करी। एक लास्ट मदद मैंने पिछले साल करी, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, कभी किसी को पैसे की मदद नहीं करूंगा। मुझे फोन करता है कोई मेरा दोस्त फिल्म एक्टर कि मेरे घर में खाने को नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है, और उसने उसकी अपनी वाइफ से फोन करवाया और मेरे से पैसे मांगे 30,000 रुपीज। मैं मेरा सारा फाइनेंस अमिता जी देखती हैं
और अमिता जी को समझ में आ जाता है तीसरी आग कि किसको पैसा देना किसको नहीं, उन्हें मालूम है पंकज जी पैसा बर्बाद करते हैं। आज से 15-20 साल पहले मैंने अपना सारा उनको दे दिया था कि आप ही चलाओ। जब भी कोई पैसा मांगता मैं परमात्मा से बोलता हूँ मेरे पास क्यों भेजा तूने इसको जब मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता, अमिता जी का डिसीजन है। फिर भी मैंने अपनी अमिता जी से नहीं कहा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपनी बिटिया से कहा, डॉटर इन लॉ से, बेटा तू अपने अकाउंट से उसको मदद कर दे, मेरी बिटिया भी बहुत प्यारी है, दुनिया की बेस्ट बेटी। उसने कहा पापा ठीक है, उसने उसके पास नहीं थे, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने अपनी बड़ी बहन को बोला, उनसे उसने लोन उधार लोन लिया और उसकी हमने मदद करी 30,000 की। वो रोया था मेरे सामने, मैं दिन रात रोया था, मैं रात को रो रो के उसके लिए प्रार्थना की। मुझे पता चलता है एक हफ्ते के बाद में वो अपनी वीडियो बना रहा है अपना फेसबुक पर, वाइफ के साथ में गाना गा रही है वाइफ, झूठ बोल के मुझसे पैसे लिए। दुनिया में याद रखो लीडर्स, लोग झूठे हैं, उनको पहचानना आना चाहिए, किताबों से पहचानोगे, अपलाइन से सलाह लो। मेरे सुमित जी कहते हैं पैसा किसी को मत दो, तो पैसा बहुत है लोगों के पास में, और जिसके पास में 5,000 नहीं है, 2,500 नहीं है, 1,000 लगा नहीं सकता, उसे कोई हक नहीं है कोई भी काम करने का और इस बिजनेस में आने का हक नहीं है। लोगों ने पेट काट करके कैसे बिजनेस किया है पूछिए आदमी से। तो इसलिए पैसा है सही जगह लगेगा, पैसा आज हमारे पास नहीं था, हमने भूखे मरे हैं, हम लोग भूखे मरे हैं, दाल चावल खिचड़ी, दाल चावल खिचड़ी, दाल चावल खिचड़ी खाया हमने, लेकिन आज किसी भी होटल में घुस जाए 5-7 स्टार होटल में तो आज वहां खाना खा सकते हैं। तो पैसा है उनके लिए जवाब है ये। थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू सो मच पंकज सर। ये सभी उन व्यूअर्स के लिए संदेश है स्पेशली जो कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल है फाइनेंशियली, स्पेशली उनको लगता है कि वो मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल वो कर सकते हैं, अपने आप से कम झूठ न बोलें कि उनके पास में पैसा नहीं है, अपने आप से ईमानदार रहें, और एक दिन ये दिन आएंगे जो दिन आज सिद्धार्थ सिंह जी के पास, मुकेश कोठारी जी के पास और पंकज टिटोरिया जी के पास है, वो लाइफ स्टाइल आने वाला है। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 126, जिसमें आज फिर हम लोग मुकेश कोठारी जी, सिद्धार्थ सिंह जी और पंकज टिटोरिया जी से रूबरू हुए और उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। और ये सिलसिला, ये ज्ञान का सिलसिला थमने वाला नहीं है। इन तीनों पर्सनैलिटीज से हम लोग अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 127 में फिर मिलने वाले हैं, फिर मुलाकात करने वाले हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला होता है, ये एपिसोड भी क्विज कॉन्टेस्ट वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप क्विज खेलना मत भूलिए। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आनी चाहिए। हमारे दो और चैनल हैं, नॉलेज कैप्सूल, CWSV नॉलेज कैप्सूल, जिसमें आपको इन बड़े बड़े वीडियोज के छोटे छोटे कट आपको मिलेंगे, ताकि आप अपनी टीम में उनको फैला सकते हैं, एजुकेशन को ले सकते हैं। और CWSV Academy हमारा एक एजुकेशनल कंटेंट वाला चैनल है, जिसके माध्यम से आपको और सारी चीजें मिल सकती हैं। सो अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंदर वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।